हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ मूंग दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। ये बिल्कुल प्योर वेज है, इसमें मैंने कुछ भी प्याज अदरक लहसुन नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैंने क्या किया, कढ़ाई में एक चम्मच करीब घी डाला है, सिर्फ एक चम्मच घी। और जैसे ही घी गर्म होगा तो उसमें मैं थोड़ा सा ज़रा सा मैं इसमें साबुत ज़ीरा डाल दूँगी, और ज़ीरा जब चटकने लगे तो उसमें मैं दो तेज़पत्ता डाल दूँगी। तेज़पत्ता अच्छे खुशबू के लिए डाला है मैंने, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये है मूंग दाल, इसको मैंने सुबह ही धोकर रख दिया था, तो जितना जल्दी आप धोकर रख देंगे उतना ही आपका कुकिंग टाइम कम लगेगा, गैस कम खर्चा होगा। लेकिन यकीन मानिए, ये दाल बहुत ही जल्दी बन जाता है, 10 से 15 मिनट में ही आपका ये दाल बन के रेडी हो जाएगा। और क्योंकि मैंने इसको पहले ही धो लिया है तो ये और भी जल्दी बन जाता है, और स्वादिष्ट तो बहुत ही होता है ये। और क्यों मैं कढ़ाई में बना रही हूँ दाल को, ये मैं आपको दिखाऊंगी आगे, आप देखते रहिए वीडियो को पूरा, स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने 2 से 3 मिनट दाल को भूंज लिया था अच्छे से, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, तो पानी डालने का वीडियो मुझसे डिलीट हो गया था। तो पानी आप ऐसे ही कोई अंदाज़न 1 से 1.5 लीटर से 1 लीटर डाल दीजिए, और जैसे ही पानी में धीरे धीरे उबाल आने लगेगा आप देखेंगे ऊपर पूरा वाइट हो जाएगा, सफ़ेद एक परत आ जाएगी। तो इसी को हमको निकालना है, और जब हम कुकर में दाल बनाएंगे तो इसको हम नहीं निकाल पाते क्योंकि हम साथ के साथ ढक्कन लगा देते हैं। लेकिन अगर आप कुकर में भी दाल बनाएं तो शुरू में आप नमक हल्दी डालकर, या शुरू में आप दाल डाल दीजिए और एक उबाल आने तक आप कुकर का ढक्कन को बंद मत कीजिए, और जब ऐसे ऊपर ऐसे झाग आने लगे उसको झाग को फिर निकाल लीजिए। निकालने के बाद फिर आप नमक हल्दी डाल के ढक्कन लगा दीजिएगा कुकर का। कुकर में भी ऐसे आप बना सकते हैं। तो क्योंकि मैं आज अब आपको कढ़ाई में दिखा रही हूँ, तो कढ़ाई के ऊपर आप देख सकते हैं जितना भी झाग है, जैसे ही उबाल आएगा पहला उबाल में ही ये झाग आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने सब झाग को काट के फेंक दिया, तो अभी वापस से थोड़ा बहुत था उसको भी मैं निकाल कर फेंक दूँगी। तो हल्दी मैं ऐसे साबुत डाल दूँगी ना, तो इसमें क्या होगा कि लम्स होने का चांसेस रहता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कड़ची में ही हल्दी को पानी से घोल लिया और इसको मैंने डाल दिया इसमें। अभी देख सकते हैं ये पानी सूख गया क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं। तो इस वक्त जब हम पानी डालेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा गर्म पानी डालें, तो इससे क्या होता है दाल का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और तेज़पत्ता मुझे नहीं चाहिए था इसीलिए मैंने इस वक्त निकाल दिया, तेज़पत्ता का काम हो गया है। और दूसरे गैस पर मैंने गर्म पानी चढ़ा रखा है, तो क्योंकि दाल ऑलमोस्ट 50-60% कुक हो चुका है, इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा इस वक्त आप गर्म पानी ही डालें दाल में। तो मैंने गर्म पानी डाल दिया, और वापस से जब इसमें एक उबाल आएगा आप वापस से देखिएगा फिर से थोड़ा बहुत झाग आ गया है, तो इसको भी आप काट के ऊपर से फेंक दीजिएगा। तो एक बार अच्छे से आप सब झाग काट के फेंक देंगे तो गैस को कम कर दीजिए, कम करके आप धीरे धीरे इसको 5 से 10 मिनट तक पकने दीजिए। क्योंकि दाल को मैंने सुबह ही भिगा कर रखा था तो ये 15 मिनट में ही ये दाल पक कर बिल्कुल रेडी था, तो इसीलिए लास्ट में मैंने अभी थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया, इससे टेस्ट और भी अच्छा लगता है। और आप चाहे तो और थोड़ा घी डाल सकते हैं अगर आप डाइटिंग पे नहीं हैं तो। तो मेरा ये दाल बनकर बिल्कुल रेडी था, तो मैंने इसको दोपहर को लंच में सर्व किया था। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एक बार इस तरह से दाल बनाकर खाइएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा।